युगों युगों से हो रहा है नील। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन सी राशि होगी मालामाल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आपका अपना विशेष राशिफल लेकर। यानी कि यह स्पेशल राशिफल मैंने आप सभी लोगों के लिए यह बताने के लिए बनाया है कि यह 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का, यानी धनतेरस से लेकर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और उसके बाद के भी 2-3 दिनों तक का जो सफर है आपके लिए धन के मासिक में कैसा रहेगा, कि धन का आवागमन आपके साथ कैसा होगा दिवाली के इस महापर्व पर, जिसे समस्त सनातन हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग तो मनाते ही मनाते हैं अटूट श्रद्धा विश्वास के साथ। उसके अलावा अन्य सभी धर्मों के लोग इसमें आस्था रखते हैं और इसे अपने घर परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाते हुए देखे जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि ये जो 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो महापर्व है दीपावली का, उसके दौरान मां महालक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर होगी या नहीं होगी, तो इस विषय पर ही आज मैं आप सभी के समक्ष अपना साप्ताहिक राशिफल, सिर्फ इसी विषय के ऊपर मैं आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो आपको बता सके कि मां महालक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होगा या नहीं होगा, मां महालक्ष्मी आपके घर के अंदर आएंगी या घर से बाहर जाएंगी, धन के देवता कुबेर जी महाराज क्या आपकी तिजोरियों को भरेंगे या आपकी तिजोरियां खाली हो जाएंगी, तो अलग अलग राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसी विषय पर चर्चा प्रारंभ करूं। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मेरे कुछ उन वीडियो की तरफ जो इससे पहले ना कभी किसी ने उस विषय पर कोई वीडियो बनाया था, कि भगवान ने आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप आपको इस जन्म में क्या वरदान दिए, क्या आपको इस जन्म में भगवान ने चांदी की चम्मच मुंह में देकर जन्म दिया था या फुटपाथ पर जन्म देकर आपको शुरुआत में ही कंगाल बना दिया था, आगे चलकर आपकी किस्मत में क्या होने वाला है, मतलब आपका कौन सा वरदान आपको फल देने वाला है या कौन सा शाप आपके दुर्भाग्य को आपके जीवन में लाने वाला है। तो वरदान सीरीज के 108 वरदानों की इस श्रृंखला के मैं 38-40 वीडियो आप सभी लोगों के समक्ष ला चुका हूं, तो आप ध्यान पूर्वक अपनी जन्म कुंडली का इन वरदान सीरीज के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। मात्र एक छोटा सा प्रयोग है जिसके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में यह वरदान आपको मिला है या नहीं, या आपकी जन्म कुंडली में कहीं यह शाप तो नहीं है। अगर वरदान मिला है तो उसमें और कैसी वृद्धि की जा सकती है, और अगर आपने शाप मिला हुआ है आपकी जन्म कुंडली के अंदर तो उस दुर्भाग्य को कैसे दूर किया जा सकता है। तो शाप सीरीज के भी लगभग 40 वीडियो में आप सभी लोगों के समक्ष ला चुका हूँ, वरदान सीरीज के भी लगभग 38-40 वीडियो बन के यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं। जब भी आपके पास समय हो आप अपनी जन्म कुंडली का बहुत आसानी से अध्ययन कर सकते हैं कि आपको वरदान मिला है या कौन सा शाप मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में इस प्रकार के उतार चढ़ाव, परेशानियां या सौभाग्य को महसूस करते हैं। तो आप YouTube पर मेरे चैनल गुरु रजनीश ऋषि को सब्सक्राइब कर शेयर करें, हमारी वीडियोज को लाइक करें
और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के द्वारा हमें राय दें कि आप भविष्य में हमसे किस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो हम उसी विषय पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत करेंगे। तो आप निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सर्च करिएगा वरदान या शाप, तो आपके समक्ष हमारी वरदान सीरीज के और शाप सीरीज के विभिन्न वीडियो आएंगे, छोटे छोटे वीडियो हैं, आप उनमें देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं भगवान ने कितना खूबसूरत वरदान आपकी जिंदगी में दिया है, या आपके आने वाले जीवन में कौन सा शाप आने वाला है जो आपको बुरी तरीके से परेशान कर देगा, कंगाल कर देगा, बर्बाद कर देगा, और उन शापों से बचने का उपाय क्या है, तो आप यह वीडियो अवश्य ही देखिएगा। बहुत ही काम की वीडियोस हैं जो आपको निसंदेह बहुत लाभ पहुंचाएंगे। तो इससे पहले कि मैं आपका दीपावली का यह विशेष राशिफल प्रस्तुत करूं, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप अगर अपना राशिफल देखना चाहते हैं तो अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है और उस जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बताई गई है उस राशि के हिसाब से ही आपको अपना राशिफल देखना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पास अपनी जन्म की तारीख की कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनके पास कोई जन्म कुंडली ही नहीं है, जिन्हें अपना जन्म का समय भी ज्ञात नहीं है, उन लोगों को सलाह दी जाती है कि वो इस टेबल के अनुसार जो ये सारणी आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है उसके अनुसार अपने नाम का पहला अक्षर, यानी वो नाम जिसे आपको समाज में जाना जाता है, जिस नाम से आपको समाज में प्रसिद्धि मिली है, उस नाम के अनुसार अगर आप इस सीरीज में उसके आगे जो राशि लिखी हुई है उसको देखेंगे और उसके अनुसार ही अपना राशिफल जीवन भर देखते रहेंगे, वही आपके काम आएगा। अन्यथा लोगों को पता ही नहीं होता उन्हें किस प्रकार से राशि देखनी चाहिए, किसी ने कह दिया आप ये राशि है तो बस उसी का राशिफल देखना शुरू हो जाते हैं, जबकि उस राशि से उनका कोई लेना देना भी नहीं होता, क्योंकि उनके पास जन्म कुंडली है, जन्म की तारीख है, जन्म का समय है, उन्हें एक सेकंड के अंदर राशि पता हो सकती है, उस राशि के हिसाब से अगर वो राशिफल देखेंगे तभी वो उनके अनुकूल साबित होगा, अन्यथा पता नहीं किसका राशिफल आप देख रहे हैं और सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, और हो सकता है उसके अंगेज में आप हम पर ही ब्लेम लगा दे कि गुरुजी तो गलत बोल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज यह दीपावली का महापर्व। And actually, I'm here at the very powerful temple. I call it the powerful temple because of what I've experienced. Little did I not know that I will find myself in India. Something that made me know that this is real. And I don't know if the guru knows. He mentioned that there's a high possibility in your chart that you can have problems with legal, with government problems. At the same time, I'm having attacks from my own government that I'm young, I'm making money. I said, whoa! This is incredible. You see, I'm the best-selling author in Africa. As you can see here, I'm the only forex trader in Africa who has an award, two awards, the best forex trader and the best institution. So for me to come here, then you must know. I just gave a very simple difference right now and saying that I've visited so many temples. I did not even hear one successful guru chanting a mantra from the head. So that thing, that little thing for me, it said to me, number one, this person is genuine. And I saw Mataji, I call her Mataji. She's my mother in a spiritual. I saw her reciting mantras in another level. I thought maybe there's something weird. And I saw her closing her eyes. That for me, that little thing, it said to me, she's genuine. So I'll just give you a mantra that I learned from the guru. my two gurus, Mataji, and my father, let me just give you this mantra called the Gayatri Mantra. So I will just sing it for you. Om Bhur Bhurva Svaha Dasavitu Vareniyam Bhargo Devasya Dimai Diyoyona Prajudayat. I'm done. Thank you guys. See you soon. Thank you. मिथुन राशि वालों, आपके ग्रह गोचर की स्थिति को आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर अध्ययन करते हुए 25 अक्टूबर से लेकर जो आपका 31 अक्टूबर तक का दीपावली का यह महा उत्सव जो है,
आपके लिए धन में वृद्धि की जो संभावना बता रहा है वह आपके हाथों से होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप अपने धन में वृद्धि करना चाहते हैं इस पर्व के दौरान, तो अपनी जो माँ है उनका आशीर्वाद अवश्य लेने का प्रयास करें, अपने जीवन साथी को साथ लेकर चलने का प्रयास करें, यानी उनकी सलाह लेकर जो भी आप प्रयास करेंगे तभी आपको धन में वृद्धि होती हुई माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई देगी, अन्यथा आपका यह समय आपके लिए शुभता प्रदान नहीं कर रहा। तो आप जो भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं अपनी माँ के आशीर्वाद से और अपने जीवन साथी के सहयोग को लेकर, अगर आप माँ महालक्ष्मी को पसंद करना चाहते हैं तो निसंदेह आप उन दोनों के सहयोग से आप माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे दीपावली के इस महा उत्सव पर। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे वो आपके बच्चों का पढ़ाई में मन ना लगता हो या उनके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हो इस वजह से परेशान है, या नौकरी ना मिलने से परेशान है, या नौकरी प्रमोशन और बॉस की वजह से परेशान है, या व्यापार की वजह से परेशान है, या धन की कमी की वजह से परेशान है, या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही है, या अगर शादी हो गई है तो शादी में ग्रह कलेश की वजह से परेशान है, या संतान ना होने की वजह से परेशान है, या व्यापार में हो रहे घाटे की वजह से परेशान है, या फिर आपके पास अपना मकान नहीं है या अपना व्यापार स्थल नहीं है उसकी वजह से परेशान है, या फिर आप अपनी या अपने परिवार के किसी सदस्य की बीमारी की वजह से परेशान है, तो आप बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करके हमारे लिए, यानी गुरु रजनीश ऋषि के लिए, गुरु मां रुक्मणी जी के लिए, या स्वामी राज ऋषि जी के लिए वीडियो कॉल बुक करा के उनसे अपनी परेशानियों के उपाय जान सकते हैं, जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में धीमे धीमे करके अभूतपूर्व परिवर्तन अवश्य आएगा। जो व्यक्ति सनातन हिंदू धर्म में परमपिता परमात्मा में और नवग्रह देवताओं में असीम आस्था रखते हुए इन उपायों को सच्चे मन से करते हैं और करने के उपरांत फल देने के लिए परम पिता परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं, उन व्यक्तियों को निसंदेह इन उपायों को करने से अवश्य फल की प्राप्ति होती है। आज की इस चर्चा को विराम देते हुए शीघ्र ही मैं आप सभी के समक्ष अगले हफ्ते का राशिफल लेकर पुनः प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय शनिदेव।